आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फाइटर के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, वही महेश बाबू की गुंटूर कारम और धनुष की कैप्टन मिलर और पेन इंडिया फिल्म हनुमान के 9 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो नागार्जुन सर की फिल्म ना सामी रंगा के भी 7 दिनों के कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई तमिल फिल्म कैप्टन मिलर के बारे में, धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर जिसे हिंदी तमिल कन्नड़ा 3 भाषाओं में रिलीज किया था और इस फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त दूसरा हफ्ता चल रहा है। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म को जहां सिनेमाघरों में 9 दिन पूरे हो चुके और फिल्म ने 9 दिनों के अंदर दुनिया भर से काफी शानदार कमाई कर ली है। जी हां दोस्तों, यहां पर कैप्टन मिलर फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी कि 7 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 42 करोड़ 85 लाख रुपए का किया था। वही 8वें दिन फिल्म की कमाई आई थी 2 करोड़ 81 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, आज शनिवार होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और यह फिल्म अपने 9th डे इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 3 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ कैप्टन मिलर का शुरुआती 9 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 49 करोड़ 16 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 58 करोड़ 60 लाख रुपए। इस फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 16 करोड़ 73 लाख रुपए का हुआ है। यानी कि दोस्तों, कैप्टन मिलर का 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 75 करोड़ 33 लाख रुपए हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें फिल्म ना सामी रंगा के बारे में, जो कि एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे किंग नागार्जुन सर। इस फिल्म को पिछले संडे रिलीज किया गया था और फिल्म को सिनेमाघरों में आज 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। बता दो दोस्तों, फिल्म ने शुरुआती 6 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 38 करोड़ 50 लाख रुपए का। बात करें इस फिल्म की आज यानी कि 7वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में भी काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। साथ ही साथ हाफ हॉलीडे होने की वजह से फिल्म के आफ्टरनून इवनिंग शोज की बुकिंग भी काफी सोलिड हो चुकी थी। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक ना सामी रंगा अपने 7वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है 3 करोड़ 50 लाख रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 42 करोड़ यानी कि 42 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 42 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम के बारे में, तो एक्शन ड्रामा फिल्म गुंटूर कारम जिसे सिर्फ एक लैंग्वेज तेलुगु में रिलीज किया था पिछले फ्राइडे और फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 9 दिन। जी हां दोस्तों, फिल्म ने पहले हफ्ते में भी अच्छी खासी कमाई की, वही दूसरे हफ्ते में फिल्म के स्क्रीन कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी यह मूवी दूसरे हफ्ते में करती जा रही है शानदार कलेक्शन। अगर बात करें गुंटूर कारम के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों गुंटूर कारम ने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 135 करोड़ 79 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने 8वें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार इंडिया नेट कलेक्शन किया 4 करोड़ 63 लाख रुपए का। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के आज यानी कि 9th डे के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में कल के मुकाबले एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और फिल्म मॉर्निंग वाले शोज में शानदार ऑक्यूपेंसी लेने में कामयाब रही। तो दोस्तों जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक गुंटूर कारम फिल्म अपने 9th डे इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 6 करोड़ 50 लाख रुपए और इसी के साथ गुंटूर कारम का शुरुआती 9 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 146 करोड़ 92 लाख रुपए का, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 175 करोड़ 12 लाख रुपए। बता दे दोस्तों, फिल्म का ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन लगभग 50 करोड़ के रेंज में हो चुका है और इसी के साथ महेश बाबू की गुंटूर कारम का 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 225 करोड़ रुपए हो रहा है। जी हां दोस्तों, फिल्म शुरुआती 9 दिनों में दुनिया भर से 225 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। बता दो दोस्तों, फिल्म का जो बजट है वो है 150 करोड़ रुपए और फिल्म 9 दिनों में जहां 225 करोड़ की कमाई कर चुकी है और कल है संडे, तो कल भी इस फिल्म के कलेक्शन जबरदस्त आने की पूरी उम्मीद है। आप देखते हैं कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 250 करोड़ तक जाता है या फिर 280 या 300 करोड़ रुपए तक। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें 2024 की पहली बॉलीवुड की बड़ी फिल्म फाइटर के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और उनके साथ नजर आएगी पहली बार दीपिका पादुकोण, वही इस फिल्म में अनिल कपूर भी एक दमदार रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों फाइटर फिल्म को डायरेक्ट किया है पठान और वार जैसी दो ब्लॉकबस्टर
ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पिछले दिनों फिल्म का ट्रेलर आया था। ट्रेलर सुपर डुपर हिट था और इस वक्त फिल्म को लेकर फैंस के बीच में जो एक्साइटमेंट है वो अच्छी खासी बनी है और फैंस के बीच में इस फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि यहाँ पर फाइटर फिल्म की लिमिटेड एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू हुई और देखते ही देखते फिल्म की टिकटें आग की तरह बिक गई। जी हाँ दोस्तों, जिस सिनेमाघरों में इंडिया में इस फिल्म की बुकिंग को शुरू किया गया देखते ही देखते वो सिनेमाघर अभी से ही हाउसफुल हो गए। जबकि दोस्तों फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 4 से 5 दिन का समय बाकी है। हालांकि इंडिया में तो इस फिल्म की बुकिंग आज सुबह से और कल शाम से लिमिटेड शुरू हुई थी, लेकिन ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को 3 दिन पहले शुरू कर दिया गया था। लेकिन बात करें कि यहां पर अभी तक फाइटर फिल्म ने इंडिया और विदेशों से टोटल एडवांस बुकिंग कितने करोड़ की, तो दोस्तों फाइटर फिल्म की जो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग है वो $2,81,000 की हुई है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,33,00,000 रुपए बनते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की जो इंडिया की बुकिंग है वो हो चुकी है 3,41,00,000 रुपए की, इंक्लूडिंग ब्लॉक डिजिट। तो यहां पर इंडिया की बुकिंग 3,41,00,000 रुपए, ओवरसीज की बुकिंग 2,33,00,000 रुपए, यानी कि दोस्तों फाइटर फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है 5,74,00,000 रुपए की। बता दो दोस्तों ये एडवांस बुकिंग फर्स्ट और सेकंड डे की है, यानी कि 25 जनवरी और 26 जनवरी की। तो दोस्तों फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अभी से तो अच्छी शुरुआत कर दी है, जबकि फिल्म की फुल एडवांस बुकिंग शुरू होने में अभी भी थोड़ा समय बाकी है। जैसे ही इस फिल्म की ऑल इंडिया में बुकिंग शुरू हो जाएगी तो इतना तो कन्फर्म है कि ये मूवी एडवांस बुकिंग में शानदार कमाई करेगी और फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन भी पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म हनुमान के बारे में, तो भैया हनुमान ने तो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से करिश्मा कर दिखाया है। मतलब कि पहले हफ्ते में ताबड़तोड़ कमाई, वही दूसरे हफ्ते में भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी सुपर हीरो फिल्म हनुमान, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे तेजा सज्जा, कहने को एक तेलुगु फिल्म है लेकिन इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था और फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 9 दिन। बता दो दोस्तों फिल्म ने हिंदी में तो ताबड़तोड़ कमाई की, साथ ही साथ ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेजेस में भी कई सारी फिल्मों का कंपटीशन मिलने के बावजूद करती जा रही है दिन पे दिन शानदार कमाई। अगर बात की जाए हनुमान फिल्म के 9 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर हनुमान फिल्म ने शुरुआती 7 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 89,80,00,000 रुपए का किया था। वही दोस्तों 8वें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 7,68,00,000 रुपए का रहा। बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 9th डे के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को जो आज ओकेपेन से मिली है वो कल के मुकाबले 10 से 12% ज्यादा है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक हनुमान फिल्म अपने 9वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 9,50,00,000 रुपए, और इसी के साथ हनुमान फिल्म का 9 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 106,98,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वही फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 127,54,00,000 रुपए का हो चुका है और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 47,50,00,000 रुपए कमाए हैं। यानी कि दोस्तों हनुमान फिल्म का 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 175 करोड़ रुपए का हो चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने, फिल्म दुनिया भर में 175 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 2-3 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगा। लेकिन दोस्तों पिछले वीडियोस में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये फिल्म 200 करोड़ पे भी नहीं रुकेगी। फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो अब कम से कम 250 या 300 करोड़ तक जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि कुछ दिनों बाद यहां पर बॉलीवुड की फाइटर फिल्म रिलीज होगी, तो फाइटर के रिलीज होते ही हनुमान की हिंदी मार्केट में जो स्क्रीन से वो काफी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये फिल्म साउथ लैंग्वेजेस में 2-3 हफ्ते में भी शानदार कमाई करती रहेगी। तो आप देखते हैं कि हनुमान फिल्म का जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, हनुमान फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।